श्री सुकीर्ति माधव के आदेश अनुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्र अधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चौकी लांग पर चेकिंग के दौरान मेरठ के रास्ते तस्करी कर शामली लाई जा रही भारी मात्रा में अवैध चरस की सूचना पर मेरठ करनाल हाईवे पर शामली की तरफ आते हुए कैंटर व ऑटो कार से बरामद 181 किलोग्राम अवैध चरस बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मौके से एक तस्कर कैंटर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि ऑल्टो में सवार साथी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा कॉम्बिंग कर तलाश की जा रही है। गिरफ्तार तस्कर वाजिद से की गई जानकारी पर प्राप्त हुआ कि वह और उसका साथी अरविंद अवैध चरस की तस्करी का कारोबार नेपाल से करते हैं। इस कार्य के लिए पैसे अरविंद मुहैया करवाता है। बरामद चरस उसने व अरविंद ने सुरेश व सुलेमान नाम के व्यक्ति से नेपाल के वीरगंज से खरीदी थी, जिसका भुगतान अरविंद द्वारा किया गया था। जनपद शामली में लगातार जो अवैध मादक द्रव्य हैं उनके तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग जो सप्लाई गैंग है, जो ग्रुप है, उसका एक खुलासा किया गया है। इसमें तार जो इस ड्रग तस्करी के हैं उसके नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में जो एक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उसके पास से 1 क्विंटल 81 किलोग्राम चरस जो है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास है, वो भी बरामद हुआ है। जो इस घटनाओं में कार्यरत गाड़ियां हैं वो भी बरामद हुई है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी की जानी बाकी है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के एक एक व्यक्ति को खंगाला जा रहा है, इनकी कड़ियाँ जोड़ी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।